लड़की बेचारी से बड़ी बदनसीब और कौन होगी। शादी के दूसरे दिन उसका दूल्हा कत्ल हो गया, उसकी नजर खा गई उसके घर। लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रही। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आंख से झलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। माही, इस तरह डिप्रेशन में रहोगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी तुम्हारी? चलो उठो, ये टैबलेट ले लो और फिर आराम से सो जाओ। माही, चलो शाबाश, लेट जाओ। हम घर कब जाएंगे? तुम्हारी तबीयत ने रोक दिया, वरना तो कब के जा चुके होते। मैं जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, उसे खुद समझाना चाहती हूँ। फिर न जाने कब आना हो। तुम फिर से मजार जाना चाहती हो? कैसे माही? अम्मा जी हर जुमेरात को मजार पर हाजिरी देती हैं। अगर आप अम्मी को राजी कर ले कि हम वापस घर जाने से पहले एक दफा मजार पर हाजिरी देते हुए जाएं। माही, तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है, कोई भी तुम्हारे मजार जाने पर राजी नहीं होगा। भाभी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ। बस जो मैंने आपको कहा है आप उस पर अम्मी को राजी कर लें, प्लीज। करती हूँ मैं अम्मी से बात। बस तुम दुआ करो कि वो मजार पे मौजूद हो, कहीं उसने अपना ठिकाना ना बदल लिया। सुना है जिन्हें मोहब्बत का रोग लग जाए वो जोगी कभी भी एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते।